अस्सलाम वालेकुम, सैफुल्ला स्लम स्टेट एंड बिल्डर के चैनल से। आज स्लम स्टेट बहुत ही फ़खर से इस चीज़ की अनाउंसमेंट करने जा रहा है कि बहरिया टाउन के अंदर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की जो नीड है, जो इस वक्त रिक्वायरमेंट है, जो इस वक्त ट्रेड है, इसको सामने रखते हुए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि प्योरली एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। और ये बहरिया टाउन के अंदर, बहरिया टाउन की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट होगा। इसकी लोकेशन, प्राइस, पेमेंट शेड्यूल बहुत फ्रेंडली हैं और बहुत इजी हैं, और ये बहुत ही लग्जरियस एक बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। हम बिल्कुल एग्जैक्टली इसका प्लान, इसका स्टाइल और इसकी कमिटमेंट वही उसी तरह जिस तरह हमने इससे पहले प्रोजेक्ट यूबिन ट्रेड टावर जो है किया, जिसका हमने डे फर्स्ट से इसकी प्लानिंग, उसकी डिज़ाइनिंग, उसकी कमिटमेंट, उसका शेड्यूल डे फर्स्ट से प्लान किया और आज तक उसको एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह हमने प्लान किया उसी तरह लेके चले। बल्कि हम टाइम की बात कर रहे हैं, करें तो हम टाइम से पहले उसके कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी देखेंगे जो हमारा उसका कंप्लीशन टाइम है उससे पहले हम कंप्लीट भी करेंगे और उस बिल्डिंग को डिलीवर भी करेंगे। जो यूबीएन ट्रेड टावर, जिन दोस्तों के हमारी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या जिन दोस्तों ने वहाँ पे ऑफिसेस ख़रीदे हुए, वो ओबियसली इसको डे फर्स्ट से आज तक स्टडी भी कर रहे हैं। इसकी जो कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो उस पर ऊपर काम हो रहा है, वो सारे को ऑब्जर्व कर रहे हैं। वो बखूबी इस चीज़ को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह स्लम स्टेट ने इस प्रोजेक्ट के अंदर अपनी पूरी कमिटमेंट हर लिहाज से ना सिर्फ पूरी की बल्कि उससे पहले सारी चीज़ों को मैनेज किया। और हमारा जो ये काम करने का स्टाइल है, हमारे नेक्स्ट जितने प्रोजेक्ट्स आएंगे इंशाल्लाह आप सारे प्रोजेक्ट्स में यही स्टाइल देखेंगे, यही अंदाज़ देखेंगे। हम किसी काम में कोई जल्दी नहीं करते, कोई काम बगैर प्लानिंग, बगैर डिज़ाइनिंग के नहीं करते। जो हम प्लानिंग करते हैं, जो कमिटमेंट कस्टमर के साथ करते हैं, एग्जैक्टली उसी के ऊपर पूरा उतरते हैं। ये ऐसा क्यों है? इसलिए है कि हम हर चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, टाइम देते हैं और अपनी कमिटमेंट जो है यहाँ बहरिया टाउन के अंदर जीत उसकी है जो कमिटमेंट पर पूरा उतरता है। तो जब हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं यूबीएन ट्रेड टावर, हम प्लान के मुताबिक चल रहे थे, तो हमें जो कस्टमर की तरफ से फीडबैक आ रहा था, उस फीडबैक को देखते हुए हमें ये अंदाज़ा हो गया, बखूबी अंदाज़ा हो गया कि बहरिया टाउन के अंदर जो बंदा, जो भी बिल्डर अगर कमिटमेंट पूरी करता है तो वो कस्टमर की नीड को पूरी नहीं कर सकता जितनी यहाँ पे नीड है और जितनी डिमांड है। बल्कि मैं अपने दूसरे दोस्तों को, बिल्डर्स को भी ये इस चीज़ की सजेशन दूंगा जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कि अगर आप अपनी टॉप प्रायोरिटी जो है वो डिलीवरी या कमिटमेंट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक स्लम स्टेट एंड बिल्डर ने जो कमिटमेंट की है, जो प्लानिंग की है, उस पर एग्जैक्टली पूरा उतरा। यही वजह है कि आज हम दूसरा प्रोजेक्ट दे रहे हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में बहुत सारे आप प्रोजेक्ट देखेंगे और पहले प्रोजेक्ट से लेके आखिरी प्रोजेक्ट तक या फ्यूचर में जितने प्रोजेक्ट आएंगे, हमारा एक ही स्टाइल होगा, हमारा एक ही स्लोगन होगा, और वही स्टाइल और वही स्लोगन आज हमें स्टेज पे ले आए, हम एक नया प्रोजेक्ट अनाउंस करने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच।